पॉपुलर एक्टर और कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 की विनर सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे हुए 19 दिन हो चुके हैं। 2 सितंबर के दिन महज 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है। सिद्धार्थ के निधन से गहरे सदमे में डूबे हुए हैं उनके परिवार के सदस्य, उनके करीबी दोस्त, तो वहीं उनके फैंस भी। इस दौरान देखा जाए तो अपने दिल का हाल बयां करते हुए देखे जा रहे हैं सिद्धार्थ के क्लोज फ्रेंड्स। सोशल मीडिया और इंटरव्यूज के जरिए अपने दिल का हाल बताते हुए देखे जा रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला, जो काफी फिट रहा करते थे। अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा ही फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया करते थे। सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी रात को लेकर कई बार खबरें आ चुकी हैं। सिद्धार्थ शुक्ला आखिरी रात कैसे बिताए थे, इस बात को लेकर खुलासा हो चुका है। सिद्धार्थ की फिटनेस को लेकर ये खुलासा हुआ कि डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी थी कि कैसे वह वर्कआउट करें, और सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा ही अपने वर्कआउट पर बखूबी ध्यान दिया करते थे। हर कोई हैरानी जताते हुए देखा जा रहा है कि एक फिटनेस फ्रीक इंसान कैसे हार्ट अटैक के चलते इस दुनिया को छोड़कर जा सकता है। इसी दौरान देखा जाए तो सिद्धार्थ की क्लोज फ्रेंड और पॉपुलर एक्टर बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट रह चुके पारस छाबड़ा ने हाल ही में अपनी फिटनेस के बारे में बातचीत की है। पारस छाबड़ा, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के काफी करीब रहे, जब पारस छाबड़ा को खबर मिली कि सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं है, पारस छाबड़ा अपनी क्लोज फ्रेंड बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी माहिरा शर्मा के साथ सिद्धार्थ के अंतिम दर्शन के लिए शमशान पहुंचे थे। हाल ही में पारस ने अपनी फिटनेस पर बातचीत की है। पारस ने बताया है कि 2 वजह से मेरा वजन बढ़ रहा है। पहली वजह ये है कि मुझे लिवर इन्फेक्शन था, और दूसरा ये कि मुझे बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद एंजाइटी का सामना करना पड़ रहा था। मुझे एंजाइटी अटैक आते थे, मुझे एंटी एंजाइटी पिल्स की जरूरत भी पड़ती थी। इस कारण मुझे ज़्यादा नींद आया करती थी, और यही वजह है कि मेरा वजन इतना बढ़ गया है। इतना ही नहीं, पारस ने बताया कि अब मैं जिम जाकर और एक्सरसाइज करके फिर से वजन घटाने की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैंने अपनी फिटनेस पर काम करना शुरू कर दिया है और जल्दी ही अपनी पुरानी फॉर्म में वापस लौटूंगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं हार्डकोर जिमिंग करूंगा और सप्लीमेंट्स भी लूंगा, लेकिन मेरे परिवार वालों ने ऐसा ना करने की एडवाइस दी है। मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे ऐसा ना करने के लिए कहा है। अब मैं नेचुरल तरीके से वेट लूज कर रहा हूँ और सिर्फ डॉक्टर्स की एडवाइस फॉलो कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, पारस छाबड़ा ने सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर बीते कुछ दिनों पहले कहा था कि वह पहले से ही चिंता में थे और डिप्रेस थे और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड भी थे। सिद्धार्थ के निधन के बारे में पता लगने के बाद तो उन्हें एंजाइटी अटैक आना शुरू हो गया था। जी हाँ, सिद्धार्थ के निधन के बाद पारस छाबड़ा की हालत भी काफ़ी दर्द भरी रही है। पारस छाबड़ा सोशल मीडिया के जरिए सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए नजर आए हैं, अपने दिल के दर्द को बयां करते हुए देखे गए हैं। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।